फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैं तो देखकर एकदम चौंक गया। मतलब 100-150 के सब्सक्राइबर में आपने मेरे वीडियो को 1K 2K तक पहुंचा दिया, तो इसके लिए मैं आपको जितना ज़्यादा थैंक्स बोलूँ उतना ही कम है। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक छोटा सा लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है आपके तक वीडियो पहुँचाने में। हे गाइस, दिस इज प्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। दोस्तों हमने एनाबेल और कंजूरिंग के सारे पार्ट खत्म कर चुके हैं, आज हम बात करें एक नई मूवी के बारे में जिसका हमें कॉगवेब। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत डिप्रेस रहता है। मतलब वो किसी से घुलता मिलता नहीं है, स्कूल में भी उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, और जब वो अपने घर आते हैं हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं, और उनके पेरेंट्स को देखकर यही लगता है कि वो उसके लिए बहुत सीरियस है। मतलब वो उसे किसी अनजान व्यक्ति से मिलने भी नहीं देते और घर के बाहर भी खेलने के लिए नहीं छोड़ते हैं। एक रात जब पीटर अपने रूम पर सो रहा था, उससे अपनी दीवार से कुछ अलग ही साउंड आ रहे थे, और वो उसी दीवार के पास जाता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो पीटर होता है वो अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा डर चुका है। यहाँ पर उसके मॉम आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये जो घर है वो बहुत पुराना है, शायद कोई चूहा होगा जो तुमको डरा रहा है। नेक्स्ट डे हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर जो पीटर होता है वो अपने स्कूल पर जाता है, और यहाँ पर उनके एक नए टीचर आते हैं जो कि पीटर से बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके एक्टिविटी से उनके टीचर को यही पता लगता है यहाँ पर जो पीटर है वो बहुत ज्यादा डरता है सर काम को, मतलब बहुत ही डिप्रेस है। नेक्स्ट टाइम में दिखाई देता है पीटर अपने घर पर आता है और वो अपने मॉम डैड से बात करता है हैलोवीन के बारे में, मतलब बाहर खेलने के लिए जाने के लिए उसे परमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके जो मॉम डैड है वो उसे बाहर नहीं जाने देते। वो बोलते हैं कि यही जो गेम है यही खेलते खेलते अगले साल एक बच्ची ने भी गुम हो गया था, और इसीलिए हम तुमको बाहर नहीं खेलने छोड़ सकते। नेक्स्ट जाता है पीटर अपने रूम पर सोने के लिए, लेकिन उसके साथ फिर से रिपीट वो ही एक्टिविटीज हो रही थी। मतलब फिर से कोई दीवार को धकेल रहा था। यहाँ पर जो पीटर है ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। यहीं पर उसके फादर आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पर जो पीटर के फादर होते हैं वो चूहे के जहर जो होता है वो अपने सारे घर पर बिछा देते हैं। उन्हें यही लगता है कि यहाँ पर कोई चूहा है जो उसका डरा रहा है। नेक्स्ट दिखाया जाता है पीटर जब अपने स्कूल पर गया था, वहाँ पर उनके जो टीचर होते हैं वो उन लोगों को सारे ड्राइंग बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पीटर यहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर सा ड्राइंग बनाता है। मतलब वहाँ पर वो देखते हैं एक जो छोटा सा बच्चा है वो हेल्प मांग रहा है। ये देखकर उनके जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। इसके बाद पीटर के जो टीचर होते हैं वो उसी ड्राइंग को लेकर पीटर के घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पीटर के जो मदर होते हैं वो कुछ अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी, मतलब वो उनको इग्नोर करके बात करती थी। इसके बाद पीटर की मम उसी ड्राइंग को लेकर पीटर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हरकत है, लेकिन यहाँ पर जो पीटर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो शायद से ऐसे ही ड्राइंग बना रहा था, इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। नेक्स्ट रात दिखाया जाता है पीटर अपने रूम पर सोने के लिए जाता है, और यहाँ पर दीवार के पीछे से फिर से आवाज आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो पीटर होता है वो बोलता है कि तुम मेरे बेहम हो, मतलब तुम सच नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो लड़की की आवाज बोल रही थी मैं सच हूँ, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं पीटर उस लड़की से बात करते करते उनके बीच एक फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब पीटर के कोई भी दोस्त नहीं थे। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है पीटर अगले दिन अपने स्कूल पर जाता है, यहाँ पर उसी हैलोवीन की वजह से उन्हें यहाँ पर पंपकिन पर ड्राइंग करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर जो पीटर होते हैं वो भी एकदम अच्छी तरीके से ड्राइंग बनाता है, लेकिन उसका एक शैतान दोस्त जो होता है वो उसकी पंपकिन को लात मार मार के उसे तोड़ देता है, जो कि पीटर को एकदम अच्छा नहीं लगता। वो रोते हुए अपने घर पर आता है और वो उसी लड़की से रात भर बात करता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी उसे बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और तुम इसके बदला ले लो। और यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं पीटर जब अगले दिन अपने स्कूल पर जाता है वो उसी लड़के को एक सीढ़ी से धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाता है। और यहाँ पर ये जो सारे बात है यहाँ पर पीटर के पेरेंट्स को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो उसे एक बेसमेंट पर लॉक कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है पीटर के टीचर जब अपने घर पर होते हैं उनके प्रिंसिपल उनके घर पर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पीटर के घर पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उनके जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पीटर की फिक्र है, मुझे तो उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि स्कूल के बाद स्कूल के तक ही रहना चाहिए, घर तक नहीं पहुँचना चाहिए। नेक्स्ट डे हमें देखते हैं यहाँ पर जो टेस्ट हो रही थी यहाँ पर उनके टीचर सारे खाता देख रहे थे, और ये जो मार्कशीट है वो लेकर पीटर के घर पर जाते हैं पीटर को ढूंढने के लिए। मतलब पीटर कुछ ही दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा था, और यहाँ पर जो पीटर के टीचर जब उनके घर पर पहुंचते
वो उनके पेरेंट्स को देखकर एकदम डर जाते हैं, क्योंकि पीटर के जो फादर होते हैं उनके हाथ पे एक हथौड़ा था और उनके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वो बोलते हैं कि मैं घर की साफ सफाई करते हो, मेरे हाथ पे ये चोट लग गई, और वो पीटर से यहाँ पर भी नहीं मिल पाते। नेक्स्ट रात हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो पीटर के मॉम होते हैं वो उसे खाना पीना देकर अपने रूम पर सोने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर जो लड़की है वो दीवार के पीछे से आकर फिर से बोलती है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए चाहता हूँ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुम्हारे जो मॉम डैड है वो शायद तुमसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो असली में सच नहीं है। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो एकदम बड़ा सा राज खोलती है। वो बोलती है कि मैं बल्कि कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, और मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था जब तुम बड़े होगे और मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, और ये करने के लिए तुम्हें वहीं पर जो एक बड़ा सा घड़ी है उसे वहाँ से निकालना होगा, और उसके बाद मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। ये जो बात है यहाँ पर पीटर को इतना ज़्यादा सच नहीं लगा, तो इसलिए वो बोलता है मैं तुम्हें देखने के लिए जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि तुम मुझे देखने से पहले ही डर जाओगे, क्योंकि मैं बहुत साल से यहाँ पर बंधा हुआ हूँ और तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए। लेकिन जैसे तैसे पीटर जिद करता है उसे देखने के लिए, और यहाँ पर जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि तुम नीचे देखो, वहाँ पर एक छोटा सा होल होगा और तुम उससे मुझे देख सकते हो। और पीटर उसी होल से उसे देखने की कोशिश करता है, जबकि वो उसकी बड़ी बड़ी आँख देख कर यहीं से पीटर फास्ट में ही डर जाता है। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि पीटर हमारे जो मॉम डैड है वो बहुत ही जालिम है, और मेरे साथ ये जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर पीटर को ये बात इतना ज़्यादा भरोसा नहीं आता था, लेकिन जब वो रात में सोता था उसे वही विजन जाते थे, मतलब कि उसके पेरेंट उसे बहुत हर्ट करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है, जबकि वो एक सपना ही था। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि यदि तुम्हें मेरे बात पर भरोसा नहीं है तुम गार्डन में जाकर ये बात को देख सकते हो। और यहाँ पर जो पीटर होते हैं वो गार्डन में आता है और वो यहाँ पर खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद उसे एक स्केलेटन मिलता है, जबकि यहाँ पर जो लड़की होती है वो उसे बोलते हैं कि मैं हेलोवीन पर मेरी भी एक दोस्त मेरे घर पर आई थी, मैं उसे मदद मांगने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वो जब मेरी मदद करने के लिए चाहती थी मॉम डैड ने उसकी कत्ल कर दिया, क्योंकि वो बाहर जाके उनकी राज ना खोल सके। अब ये सारे बात सुनकर पीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने टीचर को कॉन्टैक्ट करने के लिए जब आता है यहाँ पर उसके मॉम आ जाते हैं और उसी फ़ोन से उसके टीचर को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, मतलब बोलते हैं कि तुम मेरे घर पर विकल्प मत करना। अब यहाँ से जब वो पीटर को धकेल कर एक रूम पर ले जाते हैं और वो उसी रूम पर उसी सुरंग को देखते हैं जो कि पीटर ने खोदा था, और यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर ये इस लड़की ने इसको क्या बोला होगा, अब जो भी कुछ होगा मेरे बच्चे के साथ होगा। लेकिन यहाँ पर एक शक की बात है, यदि पीटर के मम उसकी बहन को वहाँ पर बंद करते थे तो यहाँ पर वो इतने डरते क्यों हैं? नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है यहाँ पर जो पीटर होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसके जो डैड होते हैं अजीब से महसूस होता है, और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं यहाँ पर पीटर कुछ भी खाना नहीं खा रहा था। वो यहाँ से पता लगा चुके हैं कि पीटर ने इस खाने में कुछ ही मिलाया है, और यहाँ पर वो पीटर को पूछते तुम ये खाने में क्या मिलाए हो। यहाँ पर पीटर बोल देता है कि तुमने मेरे बहन को मारने के लिए कोशिश किया है। और इसके बाद यहाँ पर जो पीटर के पिताजी होते हैं उन्हें उनकी वोमिटिंग होती है और वो वहीं पर ही मर जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो पीटर होता है वो उनके खाने में जो चूहे का जहर है वो मिला दिया था। यहाँ पर जो पीटर की मॉम होते हैं वो एक नाइफ लेके पीटर के पीछे भागते हैं, और पीटर की यही लगता है कि वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। और यहाँ पर जो पीटर होता है वो उन्हें सीढ़ी से धक्का दे देता है, जिसके बदले उनके जो मॉम है वो वहाँ पर गिर जाते हैं। दरअसल ये जो पीटर के मॉम होते हैं वो उसे बचाने के लिए ही चाकू पकड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो पीटर होता है वो उसी खुफिया दरवाजे को खोल दिया था और वो घड़ी को वहाँ से निकाल दिया था। और यहाँ पर जो उसी जो मासूम लड़की जो बनी हुई थी उसकी आवाज़ एकदम एक खतरनाक मॉन्स्टर की तरह बन जाता है और वो कुछ अलग टाइप से हंसने लगता है। अब यहाँ पर जो मॉन्स्टर से लड़की होती है वो यहाँ पर से आज़ाद हो चुकी थी, और ये देखकर पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जाकर अपने रूम की बेड के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं पीटर ने जिस लड़की को मारा था वो चार लोगों को लेकर यहाँ पर आया है पीटर को मारने के लिए, लेकिन अब ये घर में शैतान घूम रहा है। अब यहाँ पर वो चारों लोग जब इसी घर पर एंटर करते हैं वो जो शैतान है वो चारों को इतने घिनौने तरीके से मारते हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकता, मतलब एक का शरीर चीर देता है, एक को पटक पटक के मारता है, वो बहुत ज़्यादा घिनौना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो उन्हें मारने के बाद यहाँ पर वो दीवार पर उल्टा चलकर पीटर के पास बढ़ रहा था।
और यहाँ पर हम देखते हैं पीटर के बारे में उनके जो टीचर है उन्हें भी यहाँ पर पता लग चुका है। वो गाड़ी लेके पीटर के पास भाग पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पीटर जब उसी बेड के नीचे छुप रहा था, उसी बेड के ऊपर उसकी बहन बैठी थी जो कि सच में उसकी बहन थी। वो अपनी कहानी बताती है, वो बोलते हैं कि वो जब पैदा हुई थी उसकी शक्ल एकदम बदसूरत थी और बहुत ज्यादा घिनौना था और वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली भी थी। यहाँ पर जो हालोवीन के दिन उसके एक फ्रेंड उनके घर पर खेलने के लिए आया था वो उससे भी मार देती है और ये इसीलिए उनके जो मॉम डैड है वो उसको उसी दरवाजे के पीछे बंद कर रखा था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये कोई आत्मा नहीं है बल्कि कोई भूत भी नहीं है, दरअसल ये एक डिफॉर्म बच्ची है। जबकि पीटर के माँ बाप ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर रख लिया था, वो यहाँ पर दीवार में चढ़ने की कोशिश किया और अपने आप को बहुत ताकतवर भी कर लिया और यहाँ पर वो एक प्लान सोच रहा था वो किससे बाहर निकले और इसीलिए और यहाँ पर वो पीटर को जैसे तैसे झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा लिया और वो उनके माँ बाप को भी मार डाला। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की है वो यहाँ पर पीटर को उसी रूम पर बंद करके चाबी पकड़ कर चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पीटर के जो टीचर रहते हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो होल होता है उसी होल के मध्य से पीटर अपने टीचर को आवाज लगाता है और उसके जो टीचर होते हैं पीटर को निकाल लेते हैं। जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे ठीक वहाँ पर जो शैतान लड़की थी वो उन दोनों के ऊपर हमला कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो पीटर की टीचर को अपने बस में कर लिया होता है और वो उनको जब बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी ठीक इसी समय यहाँ पर जो पीटर होते हैं वो उसके बाल को पकड़ कर उसे एक केस में बंद कर लेता है। और यहीं पर खत्म होती है कॉबवेब की कहानी। तो मिलते हैं अगले किस अलग वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तो ये कहानी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।